हेलो गाइस, दिस इज जय। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एडजस्ट योर कार सीट। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किलोमीटर्स अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करें एंड लेट मी नो योर सजेशंस एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपराइट बैठना है। अपराइट से मेरा मतलब है कि आपको ये जो आपका लोअर बैक है और ये जो सपोर्ट है, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे बैठते हो, ये ऐसे, तो इससे क्या होता है कि आपके लोअर बैक और ये सपोर्ट के बीच में ये यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है। और ये लॉन्ग जर्नीज़ में, लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे तो आपको लोअर बैक में तो बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा और आपको पेन शुरू हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप अपराइट बैठोगे ऐसे, तो आपके लोअर बैक को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आप लॉन्ग जर्नीज भी आप कवर कर सकते हो। उसके बाद आपकी सीटिंग पोजिशन क्या होनी चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए स्टेयरिंग व्हील और आपकी सीट में। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको सीट ऐसे पोजीशन में एडजस्ट करनी है जिससे आपकी नीज जो है वो स्लाइटली बेंड रहेंगे और आप इजीली एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच को ऑपरेट कर पाओगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि पूरा पीछे लेके आराम से पैर फैला कर बैठेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो अगर आपने सीट पीछे ले लिया और ये पूरा फैला दिया पैर को, तो क्या होगा इससे, सबसे पहली चीज़ तो आपको आपके नीज लॉक हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, आपको अगर अर्जेंट ब्रेकिंग करनी हो तो अर्जेंट ब्रेकिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टो वाला जो पोर्शन है ये पूरा स्ट्रेच नहीं होगा आगे, ठीक है, क्योंकि आपके पैर ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है। तो इसके दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और उसके बाद आपको ज़्यादा भी आगे नहीं लेना सीट, ये पूरा आपको ऐसे आगे नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ये जो अंडर थाई सपोर्ट है, अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, आपके पैर अगर आप एक्सेलरेटर या ब्रेक या फिर क्लच ऑपरेट करते हो तो आपके टोज जो है वो बहुत ऊपर रहेंगे, तो आपको क्या होगा, ये वाला पोर्शन में आपको लॉन्ग टर्म में आपको पेन होने लगेगा। और हो सकता है 40-50 या उसके आगे चलाने के बाद, 40-50 किलोमीटर चलाने के बाद आपको हील्स में भी आपको पेन होने लगेगा। तो अभी देखते हैं कि आपके बैक का एंगल कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको बहुत आगे नहीं बैठना है, ये पूरा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी अगर पॉटहोल आ गया या फिर अचानक जर्क आता है तो उसका इम्पैक्ट आपके डायरेक्टली स्पाइन पे आ सकता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। तो आप क्या करोगे, आपके जो रिस्ट है वो आप स्टेयरिंग व्हील पर रखोगे जिससे आपके हाथ आगे बेंड हो रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे। तो और एंड मेक श्योर कि आपके शोल्डर्स जो है वो पीछे ही है, आपको आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अगर आपको आगे झुकने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों हाथ को ये स्टेयरिंग व्हील पे रखोगे ऐसे, ठीक है। और आपको देखना है कि आपके जो हाथ है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो रहा है, तो आपको ये देखना है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप टर्न करोगे तो ये देखो, इस पॉइंट पर आपके हाथ ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जब आप हाथ रखते हो तो आपके हाथ बेंड होने चाहिए, क्योंकि अगर ऑलरेडी अपने ये अगर ऑलरेडी स्ट्रेट है यहाँ पर, तो जब आप टर्न करोगे तो आपको आगे झुकना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वैसे अगर होगा तो आप कार को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको आपके हिसाब से सीट एडजस्ट करनी है। तो जितना आप पीछे रखोगे उतना आपके लिए अनकम्फर्टेबल होगा। बहुत लोग पूरा लेट के गाड़ी चलाते हैं बिल्कुल आराम से एकदम, लेकिन वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, आप आधे एक घंटे से ट्रैफिक में चल रहे हो तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको वो अवॉइड करना है। सो गाइस, आपने देखा कि छोटी छोटी चीज़ें जिसका आपको ध्यान देना है और जिससे आप कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हो और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ड्राइव कर सकते हो। मैंने भी इससे पहले लॉन्ग ट्रिप्स किए हैं, अराउंड 1500 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स, तो मुझे पता है कि सीटिंग पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। और नॉट नेसेसरी कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस ही जाना है, अगर 40-50 किलोमीटर्स भी आप चलाते हो तो बहुत कंफर्टेबली आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए सीटिंग पोजीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। किलोमीटर्स अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज। टिल देन ड्राइव सेफ एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबली।